दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, क्या टारगेट स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट रहने वाला है जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएँ और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर पाएँ। देखते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने की भी कोशिश करती हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ जिससे आप आगे जाके खुद से एनालिसिस कर पाए और सीख पाए और खुद से ट्रेड ले पाए ताकि आप आगे जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपको एक भी पॉइंट आप मिस ना कर पाओ वीडियो का। ऐसे छोटी छोटी एनालिसिस आपको सीखते रहनी चाहिए दोस्तों, इससे आपका जो एनालिसिस का जो नॉलेज है वो आपका बढ़ेगा और आगे जाके आप खुद से एनालिसिस कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं लाइव मार्केट अपडेट देती रहती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइव मार्केट में मैं अपडेट देती रहती हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप एनालिसिस सीखना चाहते हो लाइव मार्केट में तो टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर मैं लाइव मार्केट की एनालिसिस अपडेट और इंडिकेटर्स कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही बनते हैं मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। यहाँ पे सुबह मैंने बोला था कि हम आज मार्केट में बुलिश हैं, हमें बैरिश नहीं होना है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में हम आज बैरिश नहीं हुए थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट आज पूरा दिन साइडवेज रहा। ये अपडेट मैंने सुबह ही टेलीग्राम पे दे दिया था। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं सुबह ही मैंने टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया था कि आज हमें बैरिश नहीं होना है, बुलिश ही रहना है। अगर बैरिश में मार्केट जाती है तो थोड़ा सा सपोर्ट लेके, नीचे कहीं पे सपोर्ट लेके फिर से रिवर्सल आ सकती है अपसाइड पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और रिवर्स आई। तो इस तरह की एनालिसिस सीखने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा लाइव मार्केट से रिलेटेड, और आगे जाके आप अपने एनालिसिस खुद कर पाओगे, किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। मैं आपको ये भी बता दिया था कि बैरिश हमें कब होना है टेलीग्राम पे, लेकिन वहाँ तक मार्केट गई नहीं और हम बैरिश हुए नहीं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा डाउनसाइड गई, डाउनसाइड जाने के बाद सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड गई, तो यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव हो गया और यहाँ पे बहुत से जो टेलीग्राम पे हम मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने के बाद मार्केट साइडवेज हो गई। जिसने भी इस टेलीग्राम की अपडेट को फॉलो किया होगा उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा टेलीग्राम पे। तो इस तरह से दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसके आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं लाइव मार्केट की अपडेट देती रहती हूँ। जैसे कोई चार्ट पैटर्न बना, कैंडलस्टिक बनी, तुरंत मैं अपडेट दे देती हूँ टेलीग्राम पर। तो आ जाइए टेलीग्राम पर, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, कल के लिए हमें क्या लेवल्स होने चाहिए, टारगेट स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट कहाँ से होना चाहिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर हम बुलिश थे परसों के दिन और आज के दिन मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही। गैप ऑफ ओपनिंग, थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग होकर मार्केट डाउन साइड आए, डाउन साइड आके फिर यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, तो उसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से रिवर्स आई है ऊपर, और ये अपडेट मैंने टेलीग्राम पर दे दिया था कि मार्केट में हम बुलिश है, बैरिश नहीं है, हमें बैरिश नहीं होना है। तो बिल्कुल यहाँ से मार्केट अपसाइड आई है और यहाँ पे टेलीग्राम पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई यहाँ पे, तो इस साइडवेज मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कोई बना नहीं पाया और हमने भी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मार्केट पूरा दिन साइडवेज थे। कल की वीडियो में मैंने बता दिया था दोस्तों, इससे पहले की जो एनालिसिस वीडियो थी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में मैंने बता दिया था कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखिए, मैंने बताया था उसमें कि
अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होके डाउनसाइड आती है, डाउनसाइड आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं या यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेके बैक आ सकती है, ऊपर भाग सकती है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ऊपर भागी है और ऊपर भागने के बाद यहाँ पे कहीं पे सस्टेन कर सकती है, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट दे सकती है, लेकिन सस्टेन तो किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाई मार्केट आज के दिन में, तो हो सकता है कि कल के दिन में मार्केट ब्रेकआउट दे दे ऊपर, या तो गैप अप ओपनिंग होके, या तो फिर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होके या फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर ब्रेकआउट दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम मार्केट में बुलिश ही है दोस्तों, बेरिश नहीं है। जैसे कि मेरी एनालिसिस है उसके हिसाब से हम अभी भी मार्केट में बुलिश ही हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी के लेवल जान लेते हैं। समझ लीजिए कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होके या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होके अपसाइड जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ से आप ये लेवल के ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। जो लेवल बन के निकल के आ रहा है 38,471 का लेवल, इसे ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। ब्रेक होने के बाद प्राइस एक्शन बना के फिर से मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद ऊपर हमारा टारगेट हो जाएगा 1:2 का टारगेट, और अगर आप रेजिस्टेंस तक वेट करना चाहते हैं तो 38,700 तक का टारगेट का हो जाएगा, आप वहाँ तक वेट कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस आपका 30 से 40 पॉइंट का रहेगा, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और आप सी साइड जा सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होके, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होके या थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होके इसी रेंज में सस्टेन करती है, तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इस रेंज में हमें कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। इस रेंज में अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप साइडवेज हो जाएंगे, साइडवेज मार्केट में आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत जल्दी से डिके होता है, तो अगर मार्केट साइडवेज होती है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है कल के दिन में। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होके बेरिश कैंडल बनाती है, ऐसे बेरिश कैंडल बनाने के बाद आपको 15 मिनट का वेट करना है, जब तक बेरिश कैंडल बनती है 15 मिनट की कैंडल के बाद दूसरी या तीसरी कैंडल जैसे ही ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे पी बाई कर सकते हैं। पी बाई करने के बाद हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। लेवल मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ क्या लेवल बन के निकल के आ रहे हैं कल के लिए। गैप अप ओपनिंग के 15 मिनट की कैंडल बेरिश बनती है, उसके बाद दूसरी या तीसरी तरह कैंडल ब्रेक होती है, तो हमारा पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे पी साइड के लिए 38,344 का पहला सपोर्ट है, और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 38,225 का दूसरा सपोर्ट है। आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं या फिर 1:2 का टारगेट ले सकते हैं, ऊपर आप 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और पी साइड बैठ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होके यहाँ से रेजिस्टेंस को टच करके रिवर्स आने की कोशिश कर रही है, तो हमें वेट करना है आधे घंटे का। वेट करने के बाद जैसे ही पहली कैंडल का लो ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद हमारा पहला जो टारगेट रहेगा, जो मैंने बताया आपको 38,225 का टारगेट रहेगा, और दूसरा जो हमारा नीचे टारगेट निकल के आ रहा है वो है दोस्तों यहाँ पे 38,035 का टारगेट, दूसरा हमारा सपोर्ट के जैसे काम करेगा कल के दिन हमारे लिए। तो ये सारे के सारे लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने चार्ट में मार्क करके रख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल बता रही हूँ मैं आपको। अगर इस लेवल को भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर जाती है, जो कि होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है एनालिसिस के हिसाब के कि इतना नीचे बैंक निफ्टी आएगी, फिर भी अगर आ जाती है तो आप यहां से प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए। जैसे ही प्राइस एक्शन बन के नीचे आने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी, तो हमारा तीसरा जो लेवल होगा वो होगा ये 37,800 का लेवल, इसे भी आप मार्क करके रख लीजिए। कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी, अगर पी साइड मार्केट आती है। चार्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। जिसने कोर्स ले रखा है उनको ज़रूर पता होगा कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मैंने कोर्स में बता रखा है आपको, जो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और यहाँ से देखिए बुलिशनेस आया है, बुलिशनेस आने के बाद ये साइडवेज हो गया है, मार्केट पूरा साइडवेज
मार्केट से कैसे बचे ये भी मैंने कोर्स में बता रखा है। अगर आपने कोर्स नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का। आप वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको कोर्स मिल जाता है टेलीग्राम पर। तो आ जाइए टेलीग्राम पर, कोर्स ज्वाइन कीजिए या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एनालिसिस सीखने के लिए। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी कल के दिन इस लेवल के नीचे ओपन होती है, गैप डाउन ओपनिंग होके बेरिश कैंडल बनाती है, तो हमें वेट करना है। जब तक इस सपोर्ट तक नहीं आती है बैंक निफ्टी तब तक हमें वेट करना है, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर भाग जाए। जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती, प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे नहीं आती, तब तक हम वेट करेंगे पी साइड के लिए, क्योंकि प्राइस एक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी के लिए पी साइड जाने के लिए। जब तक प्राइस एक्शन बना के नीचे नहीं आती तब तक हम पी साइड नहीं जाएंगे। अगर पी साइड आती है बैंक निफ्टी तो हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट, जो हमारा टारगेट रहेगा 37,800 का नीचे सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। और ये सपोर्ट से अगर ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो हम यहाँ पे सी बाय करेंगे। सी बाय करने के लिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 30 से 40 पॉइंट का। सी बाय करके हम यहाँ से 1:2 का टारगेट ले सकते हैं या पहला रेजिस्टेंस का टारगेट ले सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 38,344 का, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 38,471 का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे आने की कोशिश करती है, तो आप यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और नीचे की पी साइड जा सकते हैं। पी साइड के लिए हमारा ये सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, दूसरा सपोर्ट हमारा 37,525 का सपोर्ट है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए निकल के आ रहा है। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप ओपनिंग होके, समझ लीजिए यहाँ से गैप अप ओपनिंग होके एक बुलिश कैंडल बनाती है, तो हमें 15 मिनट की बुलिश कैंडल का वेट करना है। जैसे ही 15 मिनट की बुलिश कैंडल के हाई को दूसरी या तीसरी कैंडल ब्रेक करेगी, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे सी साइड के लिए। नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 40 से 50 पॉइंट का, और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे 1:2 का टारगेट लेंगे ऊपर, या फिर ऊपर के सपोर्ट तक हम जा सकते हैं जो निकल के आ रहा है कल के दिन के लिए 38,700 का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। आप वहाँ तक टारगेट ले सकते हैं या 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी समझ लीजिए गैप अप ओपनिंग हो के डाउन साइड ओपन आने की कोशिश करती है, यहाँ पे बड़ा गैप अप ओपनिंग होकर डाउन साइड आने की कोशिश करती है, बेरिश कैंडल बनाती है, तो बेरिश कैंडल के लो को ब्रेक होने का वेट करना है आपको। जब तक लो ब्रेक नहीं होता हम पी साइड नहीं जाएंगे। जैसे ही लो ब्रेक हो जाएगा बैंक निफ्टी ने जो गैप छोड़ा होगा वो गैप फिल करने आएगी। गैप फिल होने तक का वेट करेंगे या 1:2 का टारगेट लेंगे ऊपर, 30 से 40 पॉइंट का या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और पी साइड हम बैठ सकते हैं। जब तक बैंक निफ्टी गैप फिल नहीं करती तब तक हम टारगेट के लिए वेट करेंगे और 1:2 का प्रॉफिट लेके हम निकलेंगे। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं कल के लिए, क्या एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है निफ्टी में कल के लिए। दोस्तों अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होके या थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होके नीचे आने की कोशिश करती है, तो हम इस लेवल तक वेट करेंगे। जब तक इस लेवल तक निफ्टी नहीं आती तब तक हम वेट करेंगे। यहाँ से निफ्टी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं हर सपोर्ट, हर स्विंग पे हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे सब जगह पे सपोर्ट नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हर सपोर्ट से मार्केट ऊपर भाग सकती है। तो हमें पी साइड जाने के लिए कल के लिए कम सोचना है, पी साइड हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अगर निफ्टी 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक कर जाती है और नीचे आने की कोशिश करती है, नीचे आके प्राइस एक्शन बनाती है, फिर ही हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन बना के इस सपोर्ट को जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करती तब तक हम पी साइड नहीं जाएंगे। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो पी साइड हम बैठ सकते हैं और यहाँ पे 1:2 का टारगेट लगा के या फिर इस सपोर्ट का टारगेट लगा के हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग होके या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होके यहाँ से बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश करती है, तो हमें वेट करना है 15 मिनट का। 15 मिनट की कैंडल को जब दूसरी या तीसरी तरह कैंडल ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे सी साइड जा सकते हैं। सी साइड जाने के बाद हमारा ऊपर का लिए टारगेट रहेगा 1:2 का, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 30 से 40 पॉइंट का, और यहाँ पे 1:2 का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, या फिर हम रेजिस्टेंस तक वेट कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 17,660 का रेजिस्टेंस, हम वहाँ तक वेट कर सकते हैं या 1:2 का टारगेट ले सकते हैं।
नीचे पी से जाने के लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 30 से 40 पॉइंट का, और यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है वहाँ तक आप वेट कर सकते हैं। जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं नीचे के लिए 17,383 का, 17,383 का सपोर्ट है, और 17,465 का पहला सपोर्ट है, 17,383 का दूसरा सपोर्ट है, और तीसरा जो सपोर्ट यहाँ पे पी साइड के लिए निकल के आ रहा है 17,250 का, ये तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है। इससे ज़्यादा नीचे निफ्टी नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा नीचे जाएगी निफ्टी। अगर और ज़्यादा निकलने की कोशिश करती है नीचे तो 17,210 का हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, और 17,166 का हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। अब मान लीजिए दोस्तों, निफ्टी अगर कल बड़ा गैप डाउन देके 15 मिनट की कैंडल बेयरिश बनाती है, 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है आपको, और फिर 15 मिनट की कैंडल को दूसरी या तीसरी कैंडल ब्रेक करेगी, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगी, प्राइस एक्शन बना के नीचे आने की कोशिश करेगी। जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती तब तक हम पी साइड नहीं जाएंगे। ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद पी साइड हम जा सकते हैं। हमारा पहला सपोर्ट रहेगा ये 17,250 का पहला सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट रहेगा 17,210 का। यहाँ तक निफ्टी आ सकती है अगर पी साइड हम बैठेंगे तो, या तो फिर आप 1:2 का टारगेट नीचे की तरफ अचीव कर सकते हैं। ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 30 से 40 पॉइंट। तीसरा जो सपोर्ट मैंने आपको नीचे बताया 17,166 का तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी में। अगर मान लीजिए दोस्तों कल निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होके या बड़ा गैप अप ओपनिंग होके अपसाइड जाने की कोशिश करती है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पे 15 मिनट का वेट करना है आपको। जब तक बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती, ब्रेक करके इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करके प्राइज एक्शन नहीं बनाती और अपसाइड जाने की कोशिश नहीं करती, हम यहाँ पे वेट करेंगे प्राइज एक्शन बनने का। जैसे ही प्राइज एक्शन बना के निफ्टी अपसाइड जाने की कोशिश करती है, हमारा पहला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है 17,802 का, इस रेजिस्टेंस तक आप टारगेट ले सकते हैं, या फिर 1:2 का टारगेट भी आप ले सकते हैं। अगर 17,802 के लेवल को भी निफ्टी ब्रेक कर जाती है तो ऊपर आप 1:2 का टारगेट लेके एग्जिट हो सकते हैं। कल के दिन निफ्टी अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होकर डाउन साइड आने की कोशिश करती है, बैरिश कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे हमें बैरिश कैंडल के क्लोज़ होने का वेट करना है 15 मिनट का। 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होगी, दूसरी या तीसरी कैंडल जैसे ही बैरिश कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद हमें ये गैप फिल होने का वेट करना है, जो गैप निफ्टी कल के दिन बनाएगी, गैप फिल होने तक हम वेट कर सकते हैं, यहाँ तक का प्रॉफिट हम ले सकते हैं। या फिर दूसरा टारगेट यहाँ पे हमें 17,465 का निकल के आ रहा है, वहाँ तक का टारगेट भी हम ले सकते हैं। अगर ये सपोर्ट को निफ्टी ब्रेक कर जाती है तो हम यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। आप अपने चार्ट में मार्क करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। और बढ़िया तरीके से एनालिसिस सीखने के लिए लाइव मार्केट में आ जाइए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको एनालिसिस सिखाती हूँ, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।